फिलहाल में गाय जैसा है, जैसे मैंने अभी आप लोग का अपडेट दिया था, ये 17 नंबर चौक है जो कनेक्ट करता है हिलसा को बिहार शरीफ से। और भाई यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा रास्ता रहता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो फोर लाइन का जो काम है रजौली बख्तियारपुर का, वो लगभग जो बनाया गया था पुल यहाँ पर लगभग कम्प्लीट हो गया। तो हे फैमिली, कैसे हो आप सब, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो फिलहाल में भाई बहुत दिन हो गया मोटो ब्लॉगिंग किए हुए, और आज मोटो ब्लॉगिंग कहीं और का नहीं, हम अपने बिहार शरीफ का करने वाले हैं। क्योंकि भाई बिहार शरीफ में नया नया जो बख्तियारपुर टू रजौली जो बाईपास बन रहा है, फोर लाइन बन रहा है, वो भाई काम लगभग हो भी गया है। तो आज मन नहीं कर रहा, आज रूम में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, तो लोग निकल गए एक मोटो ब्लॉगिंग मोड में। और आज हमारे साथ हैं एक मुसाफिर भाई और साथ में विवेक, ट्रैवल विथ विवेक। तो भाई बिहार शरीफ तो पूरा एक्सप्लोर किए हुए हैं ट्रैवल विथ विवेक, इनका चैनल कभी विजिट कीजिएगा, मज़ेदार मज़ेदार कंटेंट है और भाई एक नंबर कंटेंट, मज़ा आता है और आदमी भाई बड़ा मस्त है। और आज अपना बीस्ट के साथ लेके निकले हैं, तो देख ही रहे हैं भाई नया नया जो बाईपास निकला इधर काम हो भी रहा है। और आज तो आप लोग को ड्रोन शॉट देने वाले हैं कि कहाँ तक जो इसका काम हुई है, जो हो रखा है काम जो, और फिलहाल में भाई मज़ा आने वाला है। आज का वीडियो में भाई मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो ये शहर जो बन रहा है नया नया स्मार्ट सिटी के साथ, ये फोर लाइन बन जाता तो जो झारखंड जाने वाले हैं उनको बहुत सुविधा हो जाएगी। क्योंकि रजौली के बाद तो मस्त NH है, इसके पहले थोड़ा सा जो सिंगल रोड था उसके कारण कभी कभी प्रॉब्लम हुआ करता था, लेकिन इनकेस अब ये बन जाएगी तो होगा नहीं। लेकिन उधर जो बोलते हैं पावापुरी के बाद उधर जो रजौली तक है लगभग काम हो गया। ओके, इधर ही यहाँ से लेके पावापुरी से लेके बख्तियारपुर तक काम है, जो थोड़ा सा पुल वाला जो काम है जो बचा हुआ है। तो फिलहाल में आज पूरा अपडेट देते हैं और पूरा दिखाते हैं वीडियो के थ्रू में। तो भाई देख ही रहे हो, और भाई रोड देखो यार, यहाँ पर देखो पुल का जो स्लेप है वो बना हुआ है, और कितना सुपर रोड बना है। जो दिखाते हैं आप लोग को एक मस्त सा नज़ारा दम इसका, बहुत दिन के बाद आज गाड़ी भी लेके निकले हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया मोटो ब्लॉगिंग की हुए। और भाई बोले कि आज संडे था तो रूम पर मन नहीं लग रहा था, तो आ गए भाई आप लोग से मिलने के लिए, क्योंकि आप ही लोग तो हो कि जिससे बात करके और कमियां दूरी होती है, ये दूरियां दूर होती रहती है। लेकिन फिलहाल में देख सकते हो कि एक पुल रेडी हो गया, एक पुल उधर बाकी है। तो भाई आपने तो बिहार शरीफ का अगर रील देखना चाहते हैं तो भाई एक मुसाफिर जो भाई हैं उनका रील का आप इंस्टाग्राम पर देखिएगा, क्या सुपर सा रील बनाते हैं, एकदम मस्त कंटेंट है। और फिलहाल में अभी मिस कर रहे हैं अपना दोस्त सैम के ब्लॉग को, जिनका आज बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे सैम भाई। और थोड़ा सा लेते हैं लहरिया लूटते हुए आगे निकलते हैं, आवाज़ चेक करो गाइज, देख लो बिहार में हेलमेट का ज़रूरत है नहीं भाई, लेकिन हम लोग तो एनी टाइम यही बोलेंगे कि हेलमेट प्ले पहन के राइड करें, सेफ राइड करें। भाई जैसा बोल रहा था कि जितना भी पुल का काम है वो बाकी है, तो आपके देख सकते हैं कि पुल के काम के लिए रुका हुआ है काम, और सामने रजौली टू बख्तियारपुर कार प्रगति पर है। लगभग आई थिंक 24 मिनट में काम पूरा ओके हो जाएगा, तो आप लोग इस पूरा फोर लाइन का मज़ा ले सकते हैं। और यही बात करें कि पटना से बिहार शरीफ पहुंचने का जो टाइम सीमित है वो बहुत कम हो जाएगा। जैसे अभी आप लोगों को दिखाया मोटो ब्लॉगिंग मोड में पूरा जो रजौली टू बख्तियारपुर जो फोर लाइन बन रहा है उसका व्यू अभी दिखाया था, और बताया था कि भाई जब ये बन के रेडी हो जाएगा तो पटना से रजौली या झारखंड जाने के लिए जो टाइमिंग लगती है वो कम हो जाएगा, और जो जाम का समस्या था वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं बेहद बड़ा था, अब देख सकते हैं कितना स्पेस में ये फोर लाइन बनाया जा रहा है। और अभी जो स्पेस पर हम लोग हैं वहाँ पर अभी मोरे तालाब का ये है, और यहीं पर जो बोर्डर मेला उसी से हम लोग का शिक्षा प्राप्त हुआ है, वहीं से देखिए थोड़ा सा कम शिक्षा प्राप्त हुआ है, इसमें कम समझा रहे हैं आपको। लेकिन खूबसूरत सा ये जो देख रहे हैं काम सारा हो रहा है, और ये फोर लाइन जब बन के रेडी हो जाएगा ऐसे आशा है कि स्टार्टिंग 2025 में या बोले तो मिड 2024 में इसको उद्घाटन होने वाला है। क्योंकि जो पावापुरी को उधर जो रजौली तक है, पावापुरी से रजौली वो सारा काम हो गया है, सिर्फ पावापुरी से ये बख्तियारपुर तक ही काम बचा हुआ है, वो भी जो काम बचा हुआ है ये सिर्फ पुल का ही बचा हुआ है। जैसे देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो काम कर रही है, और यहाँ पर आप लोग पीछे देख सकते हैं कि जितना भी किरान बोले या हैवी हैवी जितना भी गाड़ियाँ जो काम करने के लिए आती है वो लगा हुआ है, और हमारा यहाँ पर रुद्रा भी लगा हुआ है, तो देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल में
ट्राई करते हैं और यहाँ का ड्रोन व्यू दिखाते हैं, क्योंकि खूबसूरत सा ड्रोन व्यू में आप लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर काम हुआ है और कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। तो फिलहाल मैं चैनल की कीजिएगा सब्सक्राइब और पूरा कीजिएगा सपोर्ट। ऐसे ही हमारे साथ विवेक जी हैं जो भाई कैमरा के पीछे पूरा मजा ले रहे हैं, और प्लीज सब्सक्राइब इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और साथ में इनका कंटेंट देखिएगा, क्योंकि पूरा बिहार सिर्फ एक्सप्लोर किए हैं। और इन्हें नहीं बताया कि भाई हमने तो बिहार सिर्फ एक्सप्लोर किया ही है, एक बार आप भी एक्सप्लोर कीजिए। और ये जो रजौली वाला जो काम हो रहा है बख्तियारपुर रजौली, इसको थोड़ा सा व्यू हमारे दर्शक दीघा को दीजिए कि कहाँ पर काम हुए, क्योंकि बिहार शरीफ का जनता ऐसे ही जाम में फंसे हुए रहते हैं। तो चलिए दिखाते हैं सारा ड्रोन शॉट। तो फाइनली गाइस अभी हमने दिखाया विवेक जी के, और भाई हमारे साथ हैं एक मुसाफिर भाई, नाम तो इनका समीर है लेकिन एक ही मुसाफिर बोलिए, क्योंकि इनका जो बिहार का कंटेंट का जो रील बना हुआ है हमारे इंस्टाग्राम पर आप देखिएगा, मैं डाल दूंगा इनका जो पेज का लिंक है वो, और इनका रील भाई सुपर सुपर रील होता है, एक बार विजिट कीजिएगा और भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा। फिलहाल में ड्रोन शॉट दिखाते हैं यहाँ पूरा मोरा तालाब का और कहाँ तक जो बर्फ हुआ है उसका। तो फिलहाल में गाय जैसा है, जैसे मैंने अभी आप लोग का अपडेट दिया था, ये 17 नंबर चौक है जो कनेक्ट करता है हिलसा को बिहार शरीफ से, और भाई यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा रास्ता रहता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो फोर लाइन का जो काम है रजौली बख्तियारपुर का, वो लगभग जो बनाया गया था पुल यहाँ पर लगभग कम्प्लीट हो गया है। और छोटा छोटा बच्चा है जो यहाँ पर साइकिल दौड़ा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर बड़े बड़े गाड़ी का आना भी रोक है। क्या भाई मज़ा आ रहा है ना, साइकिल हम पूरा खुले हवा में दौड़ते हुए देख रहे हैं भाई, एकदम पूरा खुश है, पूरा लहरिया काट रहा है। और फिलहाल में जो थोड़ा थोड़ा बर्फ बाकी है वो भी आगे ढलैया हो गया है, उसका जो काम है साला चल रहा है। तो यहाँ पर भी एक खूबसूरत सा ड्रोन शॉट आप लोगों को। देख सकते हैं यह है बिहार शरीफ का जान हिरण्य पर्वत, इधर है महादेव का मंदिर और इसके बगल में ही एक मकबरा है भाई, चेक कर सकते हो। और भाई देख सकते हो कितना खूबसूरत है, और भाई यहाँ पर जो ताज़ी सब्जियाँ होती है वहाँ खेती हुआ करती है, और आप लोग को बिहार से भी मिलने खाने को मिलेगा ताज़ी सब्जियाँ, क्योंकि देख सकते हैं कि सारे लोग लगे हुए हैं। तो फिलहाल में चलते हैं, और भाई देख सकते हो जितना भी रोड है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो भाई मज़ा आ जाएगा इस रोड पर ड्राइव करने में, क्योंकि अभी कुछ कुछ है जहाँ पर कम भी चलाते हैं, लेकिन जब रेडी हो जाएगा तो ड्राइव करने में मज़ा आएगा। तो भाई फिलहाल में पहुंच गए हैं, क्योंकि आप बिहार से शहर में जब एंट्री लेते हैं तो भाई यहाँ आपको बहुत रस्त मिलेगा। उधर तो फोर लाइन दिखाया भाई, लेकिन इधर आप लोग को बहुत रस्त मिलेगा, जैसे देख सकते हैं बगल में है सुहास पार्क, यहाँ पर आके आप डे स्पेंड कर सकते हैं, और उसका अपोजिट है सदर हॉस्पिटल। भाई खूबसूरत सा शहर है, लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं है, सर स्मार्ट सिटी भले ही घोषित इसे कर दिया है लेकिन स्मार्ट सिटी अभी तक नहीं बन पाया है, क्योंकि भाई स्मार्ट सिटी बनने के लिए सफाई की ज़रूरत है तो यहाँ उतना है नहीं, और एक रोड है तो वो यहाँ तो रोड देखने के लिए मिलेगा ही नहीं, यहाँ गली आप उसे बोल सकते हैं, लेकिन कोई नहीं शहर अच्छा है। फिलहाल मैं देख सकता हूँ कितना धूली है जो उड़ रहा है, लेकिन जितना भी वर्क है अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन फ्यूचर ये स्मार्ट सिटी आप लोग को देखने को मिले, लेकिन अभी तक तो वो आशा नहीं है। देखो भाई, और भाई यहाँ भी चलान वाला कैमरा जो लग गया है, तो कृपया करके रूल को करें फॉलो, नहीं तो घर पर चलान चल जाएगा। फिलहाल मैंने वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।